Hello students, I am Professor Radha Rashmi Tiwari. I am here to discuss a topic of C programming with you, that is loops. So, what is a loop? When a program executes the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. That means, agar koi program kinhi sequence of statements, matlab kinhi statements ko, block of codes ko bar bar execute karta hai, kab tak, jab tak, un statements ko bar bar execute karne ki jo condition humne dali hai, wo false na ho jaye. Tab tak execute karta rehta hai, aur is puri process ko hum kya kehte hai? Loop. इसके हम एग्जांपल एक ले सकते हैं जो कि हम सब ने पढ़ा है हमारी साइंस नोटबुक्स में दैट इज वाटर साइकिल. आपने वाटर साइकिल पढ़ा है बचपन में. और वाटर साइकिल क्या होता है? जब हमारा जो सन होता है, जो सूरज होता है, उसके सनलाइट से जब हमारा वाटर, जो वाटर इट कुड बी सी वाटर, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, जब वो हीट अप होता है, उससे इवोपरेट होता है. इवोपरेट होने के बाद कंडेंसेशन होता है, देन क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद रेन होता है. राइट, ये एक कंप्लीट वाटर साइकिल होता है. इसको आप एक तरीके से इमेजिन करो लूप की तरह, कि हमारा एक ये पूरा साइकिल है जिसमें स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है. सूरज से सनलाइट आया, सनलाइट से हमारा वाटर हीट अप हुआ, उससे इवोपरेट हुआ, इवोपरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, हमारे क्लाउड्स क्रिएट हुए, फिर उसके बाद हमारी रेन हुई, फिर उसके बाद जो रेन हुई वो रेन वाटर वापस हमारा कहाँ पे आके स्टोर हो गया, वापस उसी वाटर पे, उसी सी वाटर, लेक वाटर पे, जहां पर सूरज वापस हीट अप कर रहा है, और उसके बाद हमारा फिर से इवोपरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर रेन हो रही है, फिर रेन वाटर हमारा कल्टीवेट हो रहा है किसमें, वापस से सी वाटर के अंदर. तो ये हमारी साइकिल बार बार चल रही है. सी, when a program executes the sequence of statements many times, मतलब हमारा sequence of statements क्या हुए यहाँ पर, कि सूरज, फिर उसके बाद water heat up होने के बाद evaporation होने के बाद condensation होना. तो ये steps हमारे बार बार चल रहे हैं many times until the stated condition becomes false. condition becomes false मतलब अगर उसी water cycle के अंदर किसी दिन सूरज नहीं हो, अगर मैं कंडीशन एक तरीके से ये सोचूं कि सूरज नहीं है, तो फिर क्या होगा? ना तो हीट अप होगी, ना ही सनलाइट आएगा, ना हमारा वाटर हीट अप होगा, ना इवोपरेट होगा, ना वेपर्स ऊपर जाएंगे, ना कंडेंसेशन होगा, ना ही क्लाउड्स क्रिएट होंगे, ना ही वापस रेन होगी. तो हमारी पूरी वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, मतलब हमारा जो साइकिल बार बार जो रिपीट हो रहा था वो रुक गया. राइट, तो ये हमारा पूरा लूप का सिनेरियो होता है. अब the result of the entire loop body's first operation cycle serves as the next repetition's starting point. इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सनलाइट से हीट अप होकर वाटर इवोपरेट होकर क्लाउड बना और फिर रेन हुई, जो रेन वाटर था वापस हमारा सी वाटर या हमारा लेक वाटर है उसमें वापस एड अप हो गया. दैट मींस जो हमारा आउटपुट आया वो आउटपुट क्या है? रेन वाटर. वो वापस एड अप हो गया किसमें आके? सी वाटर में आके या फिर लेक वाटर में आकर, और वो आउटपुट वापस से नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हुआ उसके लिए वापस से वो उसमें एड अप होके रन कर गया. सो द रिजल्ट ऑफ द एंटायर लूप बॉडीज फर्स्ट ऑपरेशन साइकिल सर्व्स एज द नेक्स्ट रिपीटेशन स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये हमारा पूरा लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है. अब लूप के टाइप्स क्या होते हैं? दो टाइप्स के लूप होते हैं. एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? व्हेन अ कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप. मतलब हमारी जो लूप की बॉडी स्टार्ट हुई है, हमारे जो लूप के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो रीड करने से पहले ही उसके लिए कंडीशन चेक करना, इसको हम प्री चेकिंग लूप भी कहते हैं. और दूसरा टाइप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कंडीशन चेक होती है कब? एक बार पूरी बॉडी जो हमारी लूप की है, जो लूप के अंदर जो हमारे एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है. दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप. राइट, इसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ लूप. फ्लो चार्ट क्या होता है लूप का, कि कैसे लूप प्रोसेस कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है.
है ना, तो वो कैसे हो रहा है, स्टार्ट हुआ लूप, लूप स्टार्ट होने के बाद, यहां से लूप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद फिर उसके बाद कंडीशन आई, कंडीशन उसने चेक करी, कंडीशन अगर ट्रू है दैट मीन्स यस, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट लूप कोड्स, हमारे जो कोड्स हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद वापस से कंडीशन चेक करने चला जाएगा। जैसे ही कंडीशन फिर चेक करेगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है फिर हमारे कोड्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करने चला जाएगा, तो ये हमारा लूप रन करता जाएगा। कब तक लूप रन करता जाएगा, जब तक हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही कंडीशन हमारी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, एग्जीक्यूट कोड आउटसाइड, मतलब जो हमारा कोड है जो हमारे लूप के बाहर लिखा है उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है लूप का। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप, लूप तीन लो हमारे हम लूप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक व्हाइल लूप के थ्रू, एक डू व्हाइल लूप के थ्रू और एक फॉर लूप के थ्रू, राइट। अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा पहला तरीका होता है लूप को इम्प्लीमेंट करने का, वो होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इम्प्लीमेंट, व्हाइल लूप हम कैसे, व्हाइल लूप क्या होता है, एक तरीके का एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, प्री चेकिंग लूप, प्री चेकिंग लूप भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि प्री मीन्स पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद उसके अंदर की एंटायर बॉडी जो है, जो उसके अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करती है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉल्स है तो हमारा जो फर्स्ट साइकिल है वो भी लूप का नहीं चलेगा। इसकी अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में हम व्हाइल लिखते हैं जो कि हमारा एक कीवर्ड है। व्हाइल लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, जिसको हम, जिस कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा हमारा लूप का हर साइकिल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस लूप पे डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। मतलब डिपेंडेंट मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स हमारी रन ही, एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगी। फिर उसके बाद अब फ्लो चार्ट हमारा व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट है हमारा। सिंपली इनिशियलाइजेशन होता है व्हाइल लूप से पहले, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन होने के बाद किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, और इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद अगर ट्रू है तो जो लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगे, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। अगर ट्रू है, स्टेटमेंट्स चली, वापस कंडीशन पे गए, फिर कंडीशन चेक करी, फिर कंडीशन चेक करने के बाद क्या हुआ कि अगर ट्रू है फिर हमारे स्टेटमेंट्स चलेंगे, फिर कंडीशन पे, फिर कंडीशन चेक, मतलब जितनी बार हमारा लूप साइकिल रन करेगा उतनी बार कंडीशन चेक होगी। एक बार भी अगर एक साइकिल में भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड ऑफ लूप। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है व्हाइल लूप का। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन दिस, हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो हमारा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। ये हमारा प्रोग्राम है। अभी आप लेट्स इमेजिन कि यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइल लूप, आपको पता ही नहीं है व्हाइल लूप होता क्या है, तो उस सिनेरियो में ये प्रोग्राम आप कैसे कैसे वर्क करता है, आपको कैसे आप बनाते हैं इस प्रोग्राम को। आप पहले तो स्टेप सोचते हैं, आप एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, एल्गोरिथम तैयार करते हैं इस प्रोग्राम को बनाने की। अगर ये प्रोग्राम में यूजिंग व्हाइल लूप नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, दैट्स इट। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते stdio.h। ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं हम, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज सम फंक्शंस ओवर हियर दैट इज बिलोंग्स टू दीज हेडर फाइल्स। सो अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है हमारा, मेन फंक्शन बनाने का। इसके बाद क्या स्टेप होता, बिकॉज नंबर्स हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगा जिसके अंदर हम नंबर सेव करेंगे, हमारा नंबर की वैल्यू रखेंगे, वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको डिक्लेयर करने के लिए उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। सो
I'm using int and taking variable name as a. आपके मर्जी है वेरिएबल नेम आप ए आई एन नंबर एनीथिंग यू वांट टू टेक राइट. इसके बाद आप एक फंक्शन लिखते क्लियर स्क्रीन फंक्शन सो दैट वी कैन क्लियर द लास्ट आउटपुट राइट. ये फंक्शन किससे बिलोंग करता है कौन सी हेडर फाइल से कोनियो डॉट एच हेडर फाइल से. इसीलिए हमने कोनियो डॉट एच यहां पर इंक्लूड करिए ताकि हम इस फंक्शन को यहां पर लिख सकें राइट. सो ये हमारा क्या हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल दिस इज क्लियर स्क्रीन फंक्शन ना. नेक्स्ट स्टेप क्या होता हमारा अब हमको एक वैल्यू देना पड़ता हमने जो भी वेरिएबल बनाया ए उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता. वो इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो इनिशियलाइज करने वाली वैल्यू है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेंगे हमारे क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 मतलब 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है. तो इसलिए हमको ए की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से राइट. अब उसके बाद हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है मतलब अब ए की वैल्यू 1 है तो अब हमको ए को प्रिंट करा देना है. तो वी विल राइट प्रिंट एफ फंक्शन दिस बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल. इसके बाद क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का है तो हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करना पड़ेगा परसेंटाइल डी. यहां पे वेरिएबल नेम राइट. ये हमारा प्रोग्राम अभी तक का इतना कितने के किसके लिए 1 नंबर को प्रिंट कराने के लिए बन गया. लेट सेव दिस प्रोग्राम वी कैन सेव इन टर्बो C++ यूजिंग F2 की देन कंपाइल यूजिंग Alt +F9 देन रन यूजिंग Ctrl+F9. यहां पे हमने /NQ यूज करा है बिकॉज वी आर गोइंग टू हमें नंबर के बाद एक न्यू लाइन चाहिए क्योंकि इसके बाद अगर मैं कुछ प्रिंट कराना चाहूं अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कराना चाहती हूं मेरा नाम राधा तो मैं चाहती हूं वो प्रिंट का क्या हो एक लाइन बाद हो इसलिए हम न्यू लाइन के लिए /N यूज करते हैं. अगेन कंपाइल इट. हमें कंपाइल बार बार क्यों करना पड़ता है ताकि हम हमारा जो चेंज करा हमने जो एडिट किया है प्रोग्राम को वो रन कर सके. बिकॉज हम अगर बिना कंपाइल करे रन कर देंगे प्रोग्राम को तो जो पुराना विदाउट चेंज जो हमने चेंज नहीं करा जो एडिट नहीं करा है वो ही प्रोग्राम रन कर जाएगा. उसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि कंपाइलर ने बिल्ट ही नहीं कराया आपका प्रोग्राम. नाउ रन इट. तो न्यू लाइन के नीचे राधा लिखाया गया. सो नंबर 1 तो हमारा प्रिंट हो गया. इसके बाद क्योंकि हमें अभी हमें लूप पता नहीं है लूप होता क्या है तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा इसके बाद हमको ए की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी. वो वैल्यू क्या अपडेट करनी पड़ेगी कि हमें अब क्या प्रिंट कराना है 2. ठीक है या तो हम डायरेक्टली लिख दें a = 2 फिर उसके बाद हम लिखे प्रिंट एफ वापिस सेम यही वाली लाइन लिखनी पड़ेगी हमको राइट. सो यही वाली लाइन हमको बार बार लिखनी पड़ेगी. इसको हम a = 2 की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं a+1. इसका भी मतलब सेम रहेगा कि a की वैल्यू हमने +1 से अपडेट कर दी राइट. a+1 लिखा अब a की वैल्यू क्या हो गई है a = 2 क्या हो गया है 2. तो यहां पे क्या करेगा प्रिंट कर देगा a = 2. लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट 1 2. अब ये जो लाइन मैंने लिखी है a = a+1 फिर प्रिंट एफ फंक्शन लिखा इन लाइंस को मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है प्रोग्राम को मेरे को नंबर प्रिंट करना है प्रोग्राम में तो कितनी बार लिखना पड़ जाएगा मिनिमम 10 बार तो लिखना पड़ जाएगा हर एक लाइन को राइट. तो 10 बार लिखना पड़ जाएगा दैट मीन्स हमें कितना बड़ा हो जाएगा हमारा प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा
यहीं पे आता है लूप का सिनेरियो, कॉन्सेप्ट लूप का यहीं आता है, क्यों लूप्स बनाए गए हैं, ताकि हम जिन लाइंस को हमें रिपीटेडली हमको एग्जीक्यूट करना है उन्हें हमें बार बार ना लिखना पड़े, हम जस्ट एक बार लिखें और हम हमारे लूप का सिंटैक्स लिखें और उसके बाद वो कंटिन्यूसली रन करें. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ये देखिए कि अब मुझे अगर नेक्स्ट स्टेप वापस से 3 प्रिंट कराना होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता, a इक्वल्स टू a प्लस 1, क्या हो गई वैल्यू, a इक्वल्स टू 3 हो गई अब a की वैल्यू. फिर से वापस क्या करना पड़ता मुझे, प्रिंट एफ, कौन सा फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना पड़ता फिर से a की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए. सेम a इक्वल्स टू a प्लस 1 अगेन, अब यहां पे क्या हो गई वैल्यू a की, 4 हो गई वैल्यू अब a की, राइट a इक्वल्स टू 4 हो गया. फिर वापस प्रिंट करना पड़ता मुझे. सो कौन सी लाइंस हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं, यहां से लेकर यहां तक वाली लाइंस हमारी बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स हमने एक बार a को वैल्यू दे दी, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू हमने a को दे दी, उसके बाद की सारी लाइंस जो है हमारी रिपीट हो रही है, दैट मीन्स की लाइंस हमको किस में लिखना है, लूप में लिखना है, और हमारे लूप के कंडीशन इस तरीके से लिखना है कि हमें ये लाइंस बार बार ना लिखना पड़े. सो कौन सी लाइन हमारी सिमिलर है, एक तो ये वाली लाइन सिमिलर है, प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमारा, दिस लाइन, राइट, दिस लाइन इज रिपीटिंग एंड दिस लाइन इज रिपीटिंग. सो हमको लूप के अंदर कौन से स्टेटमेंट्स लिखना है ये हमको अब समझ आ गया है, राइट. सो हमको लूप्स के अंदर लिखना है, तो अब हमारा हम सिंटेक्स लिख लेते हैं वाइल लूप का, जिसके लिए हमको कीवर्ड लिखना पड़ेगा वाइल, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, वी विल डिस्कस दिस कंडीशन लेटर. लेट्स राइट दी स्टेटमेंट हियर, वो क्या है स्टेटमेंट हमारा, एक तो है प्रिंट एफ, सबसे पहला स्टेटमेंट यही था ना, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए एंड स्लैश. इसके बाद का कौन सा हमारा स्टेप बार बार रिपीट हो रहा था, स्टेटमेंट दैट इज a इक्वल्स टू a प्लस 1, यही हो रहा था बार बार रिपीट. अब हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन हमारा क्या है कि हमारा जो नंबर्स हैं जो हमको आउटपुट प्रिंट कराना है वो 1 से लेके 10 तक का प्रिंट कराना है, दैट मीन्स जो हमारा a की वैल्यू है जो बार बार a प्लस 1 हो रहा है 2, a प्लस 1 फिर 3 हो गया, a प्लस 1 4 हो गया, वो कब तक हो रहा है, जब तक a की वैल्यू 10 नहीं हो जाती. मतलब हमारा लूप कब तक वर्क करना चाहिए, जब तक a की वैल्यू 10 से कम है या तो 10 के बराबर है, तब तक ये कंटिन्यूसली लूप चलना चाहिए. उसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, कब तक a इज, जब तक a इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तब तक ये क्या होगा, रन होगा प्रोग्राम, जो हमारा लूप है वो कंटिन्यूसली रन करेगा. सो जैसे ही हमारा a इक्वल्स टू 1 है, अंदर आए, हाँ a जो a की वैल्यू अभी 1 है वो 10 से कम है, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, वापस आएगा अंदर लूप के अंदर घुस जाएगा हमारा कंपाइलर, और फिर उसके बाद रीड करेगा प्रिंट एफ परसेंटाइल d लिखा हुआ है तो वो a की वैल्यू प्रिंट करा देगा. उसके बाद उसने रीड करा a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो उसने 1 प्लस 1 करके a की वैल्यू अपडेट कर दी, किस से, 2 से. अब 2 से अपडेट करने के बाद उसने फिर उसके बाद वो वापिस गया कंडीशन पे, कंडीशन पे उसने फिर चेक करा क्या a लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो a की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स हाँ हमारी कंडीशन क्या है ट्रू है. फिर वापिस अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर उसने प्रिंट कर दिया हमारा a की वैल्यू को, फिर उसके बाद a इक्वल्स टू a प्लस 1 जब उसने रीड करा फिर a की वैल्यू उसने फिर से अपडेट कर दी. ये पूरी जो साइकिल्स है, ये जो लूप है, कब तक रन करेगा, जब तक a प्लस 1 जो हमारा लाइन चल रहा है a इक्वल्स टू a प्लस 1, तब तक जब तक हमारा वैल्यू a की जैसे ही 11 हो जाएगी, जैसे जब 10 हुई तो रन करा, 10 के लिए भी रन करेगा, क्यों, बिकॉज हमने इक्वल्स टू लगा रखा है. उसके बाद रन करने के बाद 10 प्रिंट करने के बाद जब वो रीड करेगा a इक्वल्स टू a प्लस 1,
और a की वैल्यू अब क्या हो गई है 11, a की वैल्यू 11 रीड करते से ही वापस जब कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन पे उसने देखा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, कंडीशन हो गई क्या फॉल्स। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, वैसे ही हमारे जो कंपाइलर है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद कौन सा स्टेटमेंट रीड करेगा, जस्ट उसके बाद वाला जो इस सिनेरियो में लिखा है गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन क्या है, गेट अ कैरेक्टर। ये फंक्शन हम क्यों, किससे बिलोंग करता है, कोनियो डॉट एच हेडर फाइल से। और हम ये फंक्शन क्यों यूज करते हैं, टू होल्ड आर स्क्रीन, टू होल्ड आर कंसोल, राइट। सो कमिंग बैक टू आर लूप, तो ये कब तक रन करेगा, जब तक हमारी ए की वैल्यू 11 नहीं हो जाती है। और हमने कौन सा ऑपरेटर का यूज करा है इसके लिए, चेक करने के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जब वो when a operator establish a relation between two operands, कोई दो operands, अभी यहाँ पे दो operand क्या है, एक तो variable a और एक क्या है constant value 10, तो उनके बीच में relations ने क्या है कि या तो वो less than होना चाहिए 10 से या बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा condition हो गया और ये हमारा complete while loop हो गया, right? तो ये क्या हो गया, initialization of variable, right? ये हो गया initialization of variable। फिर उसके बाद हमने while loop लिखा, और while loop लिखने के बाद हमने उसकी body लिखी, बॉडी लिखने के अंदर हमने प्रिंटेफ फंक्शन लिखा, प्रिंटेफ फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवाया ए की वैल्यू, और फिर ए की वैल्यू हमने अपडेट करी ए प्लस 1 से। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन दिस प्रोग्राम। हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, 1 से लेके 10 तक की सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। और उसके बाद जो लाइन लिखी थी वो लाइन क्या है, गेट सी एच हमारा फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन पर ही हमारा अभी वहां पे हमारा कर्सर, हमारा जो कंपाइलर है वो वहां पे रुका हुआ है। क्यों, बिकॉज उस फंक्शन का क्या है, गेट अ कैरेक्टर। जैसे ही हमारे कीबोर्ड से हम कैरेक्टर एक प्रेस करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा एंड विल रिटर्न टू आर टर्बो C++ एडिटर। सो दिस इज अवर प्रोग्राम। अब प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आप गलतियां, मैं बता रही हूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स गलतियां ये करते हैं कि दे जस्ट यहां पे लगा देते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन यहां लगाने के बाद फिर वो कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आता है, फिर रन करते हैं, रन करने के बाद कोई आउटपुट नहीं आता है। आपने यहां पे सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या हो गया है, सेमीकोलन लगाने का मतलब ये हो गया है कि आपने यहाँ पे प्रोग्राम को वाइल के बाद ही, वाइल के बाद जो आपने पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगा दिया है, इसका मतलब आपने उस लूप को, वो जो लूप है उसको आपने किस स्टेट में डाल दिया है, आपने उसको एक इनफाइनाइट स्टेट में डाल दिया है। इनफाइनाइट स्टेट में कैसे डाला, पहले बात तो आपने सेमीकोलन लगाया तो वो जो बाद के जो लाइन से वो रीड ही नहीं करी सेमीकोलन लगने की वजह से। और जो लूप था हमारा वाइल लूप, वो लूप क्या है कि ए जो हमारी ए की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट ही नहीं हुई, और ए की वैल्यू जब इंक्रीमेंट ही नहीं हुई है तो ए की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, और ए की वैल्यू जब हमेशा 1 रहेगी तो हमेशा जब भी रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू आप कंपेयर करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तो वो हमेशा ही होगा। That means हम किस कंडीशन में चले गए, अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो किस कंडीशन में चला गया है, वो इस वक्त इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इस समय हमारा जो प्रोग्राम है पूरा वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, और यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने गलती करी, उन्होंने सेमीकोलन लगाया। नाउ इस गलती को आप अगर इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो वो कंडीशन ये हो गया है कि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो कंटिन्यूसली ट्रू ही हो रहा है। अगर कंटिन्यूसली ट्रू ही हो रहा है तो यहां से ट्रू हुआ स्टेटमेंट इन लूप अगेन रन करे, फिर ट्रू 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 कंटिन्यूसली हमारा जो यहाँ पे सिनेरियो आप देखिए, कंडीशन ट्रू होने के बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया है,
सेमीकॉलन लगने की वजह से कोई स्टेटमेंट नहीं है उस लूप के अंदर, कोई स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन हमारा जो लूप है वो क्या है, कंटिन्यूअस वर्किंग में, साइकिल में है. सो ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया है. अगेन so let's open our file again. So this is our program. This was it. And after this, we have incremented the value with plus 1. And a equals to. So ये हमारे प्रोग्राम के साथ होता है जब हम क्या करते हैं, सेमीकॉलन लगा देते हैं. नाउ अगेन सेव आवर प्रोग्राम, कंपाइल इट एंड रन इट. अपना आउटपुट फिर से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपका पूरा वाइल प्रोग्राम का, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है. इसमें आप कुछ चेंजेस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, इसको लिखने का तरीका हम इसको डायरेक्टली इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के हम इसे डायरेक्टली ए प्लस प्लस लिख सकते थे. ये भी इसका भी मतलब वही होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन. अगेन कंपाइल इट एंड रन इट, सेम आउटपुट, राइट. सो दिस इज अवर कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप. और इस आज इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं. वन इज एंट्री कंट्रोल लूप, अनदर इज एग्जिट कंट्रोल लूप. फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप जाना, दैट इज बाय थ्री वेज, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप फॉर सी लैंग्वेज, राइट. और फिर उसके बाद हमने व्हाइल लूप को जाना, व्हाइल लूप एक तरीके एंट्री कंट्रोल लूप होता है, उसका हमने सिंटेक्स जाना. सिंटेक्स के बाद हमने उसका फ्लो चार्ट समझा, फ्लो चार्ट के बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि व्हाइल लूप पे इम्प्लीमेंटेड है. सो दिस इज अवर कंप्लीट प्रोग्राम. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डू व्हाइल लूप. थैंक यू वेरी मच.